अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। ये मेरा नाखून पकड़ लिया, ये देखिए किस तरीके से नाखून इसने जकड़ रखा, मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज का वीडियो जो आपके लिए मैं ला रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके अंदर एक ऐसा प्राणी है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक कॉमन क्रिस्टल यानी कि एक शिकारी पक्षी है जिसको अभी मैं रेस्क्यू किया था कल। वहाँ पर अंदर ये शिकार के चक्कर में फंस गया और उस छोटे से रूम में ये 3 दिन से फंसा पड़ा था। ये शायद भूखा भी होगा, से रेस्क्यू मैंने किया इसको। रेस्क्यू का वीडियो हमारे पास नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था और ड्यूटी पर हमें कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए बिना वीडियो के मैंने उसको रेस्क्यू किया। तो अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा और इसके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा और इसको मैं रिलीज करते वक्त इसके वीडियो के साथ में आपके सामने शामिल हो रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ। तो इसके लिए इसको पहले संभल के मैं सही तरीके से पकड़ना होगा। ये देखिए अभी आपके सामने है आसमान का राजा कॉमन क्रिस्टल। ये देखिए, ये इसके आप क्लॉज भी देख सकते हैं। तो सही तरीके से मैं चाहूँगा कि इसके पंजे वगैरह हमारे कैमरामैन दिखाएं। ये देखिए इसके पंजे हैं। ये अगर मैंने इसको पकड़ा इधर तो ये मुझे लॉक कर दिया, तो मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकूँगा। इसके लिए मैंने इस तरीके से इसको पकड़ा है ताकि आपको दिखा सकूँ। ये कैस्ट्रल जो है ये फीमेल है, और अगर ये मेल होती तो इसके सर के ऊपर चेस्टनट कलर आया होता, और ये बिल्कुल हमला करने की स्थिति में है। ये अगर यहाँ से उड़ना चाहे तो मुझ पर हमला करके उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपने आप की भी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए इसको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये अभी पूरे पूरे माहौल को जाँच रहा है कहाँ पर उड़ना अच्छा है, तो उड़ के चला जाएगा। जैसे कि कोई नया इसके लिए, जैसे कि इसके लिए कोई एक नया एहसास हो। आप देख सकते हैं इसकी चोंच कितनी धारदार है, और इसके जो चोंच के ऊपर जो है ये बार बार टकराने से इधर उधर, तो इसको थोड़ा घाव हुआ था। मैंने इसको हल्दी लगाया और इसको हल्दी लगा के इसको थोड़ा बहुत मैंने भोजन देने की कोशिश की। ये अपने से खा नहीं रहा क्योंकि ये जब आज़ाद होएंगे तभी ये शिकार करके खाएगा। आज़ाद पक्षी जब ये उड़ेगा और अपने शिकार को पकड़ेगा, ये ज़्यादातर इसके शिकार स्पायरो पक्षी होते हैं जिसको हम लोग गोरैया कहते हैं, और आम भाषा में घर चिड़िया भी कहा जाता है हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में। गोरैया जो होती है, स्पायरो जो होती है, इसका पसंदीदा शिकार है और ये उनको आसानी से पकड़ सकता है। ये अपने पंखों को फैला के उसको रोक लेता है और उसको एक किनारे पर ला के पकड़ लेता है, तो उस तरीके से शिकार करता है। ये देखिए किस तरीके से उड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी हवा भी मुझे महसूस हो रही है। मैं चाहूँगा कि इसको कुछ खिलाऊं और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि 3 दिन से ये इस तरीके से उधर कैद था कि इसको कहीं से भी शिकार मिलने का संभावना नहीं थी, लेकिन इसको खिलाना भी एक टेढ़ी है। मैंने ये भोजन तैयार किया हुआ है इसका, अभी इसको सही तरीके से खिलाना पड़ेगा। ये देखिए ये किस तरीके से काट रहा है, थोड़ा चोंच में इसको मैं कितने मुश्किल से इसको खाना खिला सकता हूँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अगर खाना चाहे तो इसको खा लेगा, नहीं तो ये हमारे तरफ ऑब्जर्वेशन करता ही रहेगा और ये खाएगा नहीं। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। ये मेरा नाखून पकड़ लिया, ये देखिए किस तरीके से नाखून इसने जकड़ रखा है, मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा। इतना मजबूत इसकी पकड़ है आप देख सकते हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको मैं किसी तरीके से एक निवाला डाल दूं। आ हा हा हा, खा लिया। तो ये अभी इसको निगलने के लिए भी मौका तलाश करेगा। आज़ादी इसके लिए पहली इसकी उम्मीद रहेगी, इसीलिए मैं इसको छोड़ देना बेहतर समझूंगा। अभी ये किस तरीके से यहाँ से उड़ता है
आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको सिर्फ छोड़ दूंगा और ये उड़ जाएगा। कैमरामैन इस तरीके से ऑब्जर्व करे कि ये उड़ जाए। ये देखिए, इसी को कहते हैं और हाथों से तोते उड़ जाना। तो ये तोता नहीं था, ये एक क्रिस्टल, कॉमन क्रिस्टल था, जो कि एक शिकारी पक्षी है और ये फैल्कन परिवार में आता है, जैसे कि शाहीन फैल्कन, पैरागिन फैल्कन, शिकरा, ये उनकी फैमिली में आता है। ये छोटा है, इससे भी छोटी आती है स्पैरो हॉक और ये उससे थोड़ी बड़ी होती है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ में पेश करता रहूँगा, अलग अलग प्राणियों के साथ और अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ, और जहाँ तक हो सके बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आता रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि जानकारियाँ आपको भी प्राप्त होती रहे और मैं कामयाबी पा सकूँ आपको नॉलेज पहुँचाने की। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, यही कहते हुए सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।